ये देखें जी, परनाले भी चल रहे हैं। बाबा जी दुकान से घर आ चुके हैं। हाँ जी, बार बार आ रही है ना बारिश तेज तेज। हाँ जी, चलें घर नमाज का। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, हम ठीक हैं। तो सुबह का व्लॉग भी हमारा भी स्टार्ट हुआ है। हम जी आज बनाने लगे हैं दाल, और है ना मैंने आज अपनी हांडी मैंने आज सोच लिया मैं आप खुद बनाऊंगी, और है ना मैंने लहसुन भी ले लिया और प्याज भी लिए हैं, और आप ये सब कुछ ग्राइंड कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज गए हैं, तो मैंने देखा गैस आई हुई थी, तो मैंने कहा नाश्ता बना लूँ। ये देखे थोड़ी थोड़ी आ रही है, मुझे नाश्ता बना लूँ बच्चों के लिए। बिजली नहीं है रात की, कि बारिशों का मौसम है तो बिजली जाती है तो फिर आती नहीं है, क्योंकि मैंने चाय रखी हुई है। तो साहब दुकान पे चले गए हैं, पेड़े भी करके रखे हुए हैं, तो माधुरी हंस सो रहे हैं अभी, इनको उठाऊंगी नाश्ता करेंगे, और जब दुकान पे जाएंगे तो इनके पापा वापस कर आएंगे। इधर मनाल भी सो रही है, माधुरी आन उठ जाए नाश्ता करें, दुकान पे जाए, पापा चले गए हैं। टूटू शाबाश। तो बरामदे में सोते हैं सब, चार पहिए बरामदे में लगा देते हैं, क्योंकि बाहर कभी बारिश आती है कभी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी देर वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है जी। अभी भी काले स्याह बादल देखे आ रहे हैं, बादल काफ़ी बादल है अभी भी। हर चीज़ गीली हुई है, सुबह बच्चों स्कूल भी जाना है, इनके यूनिफॉर्म वगैरह भी धोने हैं, तो देखें बिजली आई तो धोऊंगी, नहीं तो फिर हाथ से ही धो लूँगी। तो देखें क्या करते हैं, चलो उठ जाए उठ जाए। हाँ जी, यह सीढ़ियों से ऊपर से पानी आता है तो हमारी सीढ़ियाँ भी गीली हो जाती है। देखें हमारा सुबह का लोग स्टार्ट हो गया, तो मैं बैठा हूँ बाहर, बादल आ रहे हैं इधर से और सूरज इधर से निकला हुआ मशरक की तरफ से, तो ना आज हवा भी चल रही है और हबस भी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बादल भी नहीं है, थोड़े बादल आए कम है, तो सूरज भी ज़्यादा है, तपश मार रहा है आज। तो मम्मा नाश्ता बना रही है, तो मम्मा कहते आकर नाश्ता कर लो, मैंने कहा अच्छा मम्मा जी, मम्मा कहते जल्दी आओ गैस तो नहीं आ रही, और गैस आ रही है पर थोड़ी थोड़ी है, तो मैं नाश्ता करूँगा जाकर, तो फिर हम जाएँगे दुकान पर। नमाज वगैरह पढ़ के हम सो गए थे, क्योंकि बिजली तो नहीं थी, पारा नहीं पड़ सके। देखें जी कट्टो इधर आई हुई है, मैंने इसको दाना डाला है, और ये देखें ये इधर खड़ी हो गई है, आ आ आ, ये देखें ये भाग रही है। तो ये देखें इधर से बादल भी आ रहे हैं। देखें जी नाश्ता वगैरह लग रहा है, लग रहा है। तो जी हम जी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, अभी नाश्ता बना है तो पप्पा का नाश्ता मैंने बना दिया, ये रिहान आ गया, नाश्ता रखती है चार पे दसा के माज बैठा, उठ जाए बना ला अभी नाश्ता कर ले, ताकि फिर अपने बाबा आए तो ना नाश्ता करें आके, उठ जाए चाय वगैरह सब की आ गई है, इधर साधन आ गया, इधर चाय आ गई, इधर आ जाए सब इधर आके खाए, नहीं नहीं चार पहिए इधर दस्तखान में बिछाया आ दे। हाँ जी नाल बैठी है, देखिए इसको कैसे कक्कर पड़ रहा है, चले दाने निकले, ये मौसम दानों का है, निकल आती है दाने वगैरह, नहीं दाने चीनी खाकर ऐसे भी निकल आते हैं। चले करे साथ में मसरक का सालन, मादने सालन के साथ खाने, बाकी सब चाय के साथ खाने। बाबा जी दुकान से घर आ चुके हैं, और ना बाबा इधर लेटे हुए हैं, अब आके बाबा आप भी कुछ बोले। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, आप बना रहे हैं ऐसे बनाए, ऐसे बना ठीक। और मम्मा नाश्ता लेके आ रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ, ये मम्मा नाश्ता लेके आ गई है। तूने कर लिया नाश्ता? हाँ जी। किस किस चाय के साथ? ठीक। तो मैं जी आया हूँ, घर आ गया हूँ,
तो अभी मैं घर आया हूँ तो देखें मेरा चेहरा ना बिना कालक से लिबड़ा हुआ है, यानी कि गंदा हुआ पूरा है मेरा चेहरा। ये देखें, और ये देखें इधर भी है। तो अभी मैं नहाऊँगा, नहा के फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि अभी बिजली आई है तो मोबाइल चार्जर पर लगा हुआ है पापा का, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत थोड़ी थी, 2% थी इसकी बैटरी, तो अभी 18% हुई है जबकि बिजली आई है। अब 15 मिनट भी हुए, 15 मिनट नहीं हुए अभी बिजली आई को, तो मैं घर आया हुआ हूँ। तुम रिहान नहा रहा है, मम्मा कपड़े धो रही है। ये देखें जी, स्पिनर भी इधर बाहर निकाला हुआ, बाहर निकाला हुआ तो ना आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें बादल आ गए हैं, फिर तो मम्मा कहती है कि ना स्पिनर से ना कपड़े सुखा के फिर इधर ना टांग देंगे, लटका देंगे, तो मम्मा इधर कपड़े भी धो रही है। ये देखें ये कपड़े पड़े हुए हैं, और ये इधर मशीन भी लगाई हुई है इधर बाहर। पहले तो मैं जब दुकान से आया था मैंने पौधों को देखा है, तो ये देखें जी इधर ना ने एक नीम उगी है। ये देखें ये हमने नमोली में पापा ने डाली थी इधर, तो एक नीम उगी हुई है। ये देखें और इधर खुम्बी भी उगी थी, वो ये देखें ये खुम्बी, ये दोनों जा रहा हूँ आपको ना जा रहा हूँ ग्राउंड में, तो ग्राउंड के भी आपको हालात दिखाता हूँ। तो ये देखें बारिश की वजह से ना पानी चक्कर कितना खड़ा हो गया इधर, अभी के इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती रही, थोड़ी थोड़ी होती रही है पर अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ये देखें ये खाला सारा सूख गया, ये देखें ये देखें माशाल्लाह बादल भी हैं इधर, बाहर इस तरफ बादल है और इस तरफ धूप निकली हुई है। ये देखें सूरज, तो माशाल्लाह हर चीज़ सर सब्ज कवर बैठा है मस्जिद के मीनार पे, तो हर चीज़ सब्ज सब्ज है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यूज़ है, तो हमारे पौधे भी सर सब्ज हो गए हैं। ये देखिए गुल दोपहरी भी, न्याजबो भी, माशाल्लाह नई शाखें निकाली है इसने। ये देखिए ये हमारी चारपाई खड़ी हुई है, ये भी पानी आ रहा है इसमें से भी, धूप निकल गई चारपाई को धूप में डालूंगी ये सूख जाएगी, गीली हो गई है सारी। हम जी आज बनाने लगे हैं दाल, और है ना मैंने आज अपनी हांडी मैंने आज फ्रोत लिया, मैं आप खुद बनाऊंगी, और है ना मैंने लहसुन भी ले लिया और प्याज भी लिए हैं, और आप ही ये सब कुछ ग्राइंड कर। आज जी मम्मा ने धोए कपड़े और हम दोनों बहनों ने फैसला कर लिया हमने आज बनाने हैं वो ये दाल हमारी, और है ना मम्मा ने मैंने मम्मा कहा मम्मा आप रेस्ट कर लें, और है ना हम दोनों बहनें दाल बनाती हैं, और मैंने प्याज भी छीली है वो भी। अब इधर ना तालाब खुल गया, ये देखें ये सारा पानी इधर जमा हुआ पड़ा है, ये देखें ये सारा पानी है। देखें ये सामने चाचू हाजी ने ना बकरी बांधी हुई हैं, चाचू हाजी भी साथ बैठा हुआ है, ये सामने बकरियाँ खड़ी हुई हैं। सलामुअलैकुम, क्या हाल हम सब ठीक है, अभी ठीक होंगे। तो मैंने नहा कर तैयारी शारी कर ली है, कंगी शंगी भी कर लिया, कपड़े भी पहन लिए हैं, तो मैं अपना लोग ना रहा हूँ बधू करी थी, मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। आज हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये देखें मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, साफ सुथरा मौसम है, कल के बादल हैं काले नहीं है सफ़ेद बादल हैं, कल के इधर से काला आ रहा है, अब जैसा छाँव हो गई है, ये छाँव हो गई है, ये देखें जी मेरे सिर के ऊपर बादल करा हुआ है काला ब्लैक। तो आपको दिखाता हूँ मैं पौधे भी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें जी ये अपन एक और नीम ला कर लगाई थी, अभी सूखी नहीं है, ये तो एक दिन में लगाई एक दिन में ही सूख गई, ये तो नहीं अभी सूखी, शायद ये अल्लाह ना अल्लाह कहे ये फूट जाए। तो एक छोटी सी भी है, ये देखें जी छोटी सी भी लगी हुई है नीम, मैं तो कहता हूँ एक नीम हो जाए यहाँ पर, ठीक है छोटी सी डोरी निकाली हुई है हमारे पौधे ने, माशाल्लाह रवा रहा हो गया पौधा भी, आगे काला काला अच्छा लग रहा था, हरा हरा हो गया सब सब्ज। लड़के ने बुलाया था, कहता मेरी बात सुनो, तो मैं उसके बात सुनने गया था, वो कहता वीडियो नहीं बनानी, मैं कहा अच्छा नहीं बनाता वापस आ गया, फोन में जा रहा था थोड़ी देर के लिए, फोन में भी पानी बहुत खराब, आपको वो दिखाया ही नहीं, भूल गया मैं, सच आपको वो दिखा कर लाता हूँ, इतना पानी खड़ा हुआ है, इतना पानी खड़ा हुआ क्या बताऊँ,
इतनी थोड़ी बारिश, हल्की बारिश होती है और इतना पानी खड़ा हो जाता है, समझ नहीं आती ये लोग क्या करते क्या। मुझे लगता है ये तो टूटी टूटियाँ जला कर, मुझे लगता है ये रख देते हैं, या फिर अपने ड्रम मोटर जला कर रख देते हैं, टूटियाँ जला कर रख देते हैं, इतना पानी आ जाता है। इतना इतनी बारिश हुई तो नहीं है, इतना पानी आ गया यहाँ पर टोन में देखें, और इधर चाय सुल्तान वाली दुकान पर देखें इतना पानी खड़ा हुआ है, ये देखें इतना पानी खड़ा हुआ है। आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मैं जी, कितना पानी खड़ा हुआ है, ये देखें सारा पानी ही पानी है, इतना पानी खड़ा हो गया। सूरज भी निकला हुआ है, शायद सूख जाए टाइम के साथ, टाइम के साथ शायद सूख जाए। देखिए सारा हर तरफ पानी ही पानी है, ये देखें यहाँ पर भी पानी, हर तरफ पानी ही पानी है, इतनी हल्की बारिश हुई है। मुझे नहीं लगता है इतनी बारिश का पानी एक नहीं है, इतना कहाँ से जाता है मुझे समझ नहीं आ रही। चलें अब घर चलें, घर जाकर मोबाइल का चार्ज पर लगाएं, हाँ बिजली भी नहीं थी और कुछ भाव ही नहीं है। आपको एक कोर किला दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी कोर किला कहाँ गया, ये रहा यानी कोर किला। मैं खड़ा हुआ से ये भाग कर गया, मैंने कहा कुछ है, मैंने देखा ये कोर किला भी सिवट्टा मार के मार देता हूँ उसे, अभी वो सामने खुद में जा रहा है कोर किला, ये देखें जी वट्टा नहीं लगा मुझसे, वट्टा लग गया इसे भी मर जाना था, कहाँ नहीं हुआ कोर किले का, कोर किला ही मर गया, इतने में शिकारी हूँ। चले कोई बात नहीं, हुआ तो फिर क्या हुआ, चले चार्ज पर लगाएं मोबाइल, मुर्गियाँ पता नहीं कहाँ पर हैं, मुर्गियाँ पता नहीं कहाँ फिर रही हैं, चार्ज पर लगाने जा रहा हूँ मोबाइल को। ये देखें जी इधर बारिश हो रही है, पानी जा रहा है इधर से, हाँ जी बार बार आ रही है ना बारिश तेज तेज, तो सुबह का ब्लॉग भी हमारा भी स्टार्ट हुआ है तकरीबन 2 बजने वाले हैं, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी तो मोबाइल बंद है, इसलिए फिर ब्लॉग बना नहीं सका मैं, तो मेरा मोबाइल बंद था। अभी मैंने स्नान दुआ की स्टार्टिंग की है, भाई सुनील की दुकान पर बैठे हैं, उधर भी बारिश हो रही है, मेरी दुकान पर भी वो भी खुली हुई है, आ गई आ गई लाइट, आ गई मोबाइल फिर चली गई, कल भी ऐसे ही है, ये बंद कर दें, आती है जाती है, होने आ गई, ये बंद कर दूं, ये देखें जी परनाले भी चल रहे हैं, ये देखें बारिश तेज हो गई है, ये देखें हाँ जी भाई ड्रीम्स आए, हाँ जी अब सुकून हो गया, बात सुकून हो गया सुकून, बच्चे अंदर का दुकान दिखा फिकर कर गया था, मकान दुकान दिखा रहे हैं, हाँ जी चलें घर, नमाज का टाइम हो गया, अजान होने वाली है, चलो बंद करो दुकान, वाकई जिन्हें जगह अंदर ना बुबले पे इन्हें नहीं मारना नहीं जी, बड़ी बारिश हो गई है आज, तेज हुई है कि नहीं, अजाने हो रही हैं, तुम लड़ रहे हो, मैं उतार लेता हूँ, चलो साइकिल बाहर निकाल, तुम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, नमाज का टाइम खत्म हो जाएगा, जोहर की अजानें हो रही हैं जी, हम अब जा रहे हैं घर, देखो नमाज का टाइम हो गया है, आज सारा दिन दुकान पे बैठे रहे, कोई भी एक हवा भरने वाला भी गाहक नहीं आया, अभी हवा भराने वाला आया, वो सारा दिन वैसे ही जा रहे हैं, अब सफाई भी नहीं की, चलो सफाई तो वो पानी था ना, बारिश हो रही है इसलिए नहीं की, घर गया था जी खाना खाने के लिए, तो खाना खाया तो बिजली नहीं थी, बिजली है ही नहीं आज, तो ब्लॉग भी नहीं बना सका मैं, इसलिए फिर मैं दुकान पे आ गया, अभी दुकान पे बैठा हुआ, बिजली आएगी तो फिर मैं घर जाऊंगा जाके ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि तो वाईफाई लगी हुई है, तो कोई वीडियो फिर एडिटिंग करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। ये देखें जी आज ना हमारे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो है ना कमरों, ये आज ना इस तरफ वाशरूम तरफ ने वो है ना वो उसे क्या कहते हैं नलके तरफ इतनी बारिश, आज है ना कमरों की तरफ बारिश है, वो है ना ये देखें जी कमरों में कितना कितना पानी खड़ा हो गया, उनको भी मैं बाहर निकालूंगी, बाहर निकाल दिया पानी, बनाए शोरबे वाले आलू अंडे, क्योंकि आपको पता बारिशें हो रही हैं, सब्जी वाला कोई आ नहीं रहा, तो जो घर में था थोड़ा बहुत बड़ा वो मैंने बना दिए, मेरे बच्चे रोटी तो खाए, फिर देखेंगे जो शाम को जो होगा, तो बच्चे आ गए रोटी खाने के लिए, जो दोपहर का वक्त है,
ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰਹੀ ਕੇ ਭਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਏ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਦੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ बस 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 हाँ पर बच्चे